लेकिन सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा, आज देश की सर्वोच्च अदालत पर सबकी नजर है। सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज ईडी सीबीआई के खिलाफ 14 दलों की याचिका पर कोई बड़ा फैसला दे सकता है, क्योंकि लगातार वो मांग कर रहे हैं कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है हमारे खिलाफ। प्रभाकर, विपनेश, सुनवाई आज होनी है, पहली सुनवाई होगी और पहली सुनवाई के दिन कुछ फैसला आए इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत होगा तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है, सीबीआई से, ईडी से, सरकार से इस मामले में जवाब मांग सकता है जो विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र सरकार, केंद्रीय एजेंसियों मसलन सीबीआई, ईडी और भी जो डीआरआई और भी जो एजेंसियां हैं उनका बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, और उस पर कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है। आज कोई फैसला आएगा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि दो दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने जो सीबीआई के कार्यक्रम में जो बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में दो दिन बाद सुनवाई होनी है, उसके पहले जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सीबीआई बहुत बेहतर काम कर रही है और सीबीआई को ये अपना काम रोकना नहीं चाहिए, सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो किसी भी सूरत में रुकनी नहीं चाहिए, ये वो लोग हैं जो लंबे समय से सरकार पर रहे हैं, प्रभावशाली लोग रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है। मतलब संदेश साफ है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हों उसके बाद वो संदेश ऐसा नहीं है कि केवल सीबीआई के अधिकारियों तक गया होगा, वो संदेश सुप्रीम कोर्ट के जजों तक भी आया होगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई उसके पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कई विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और फिर उसमें भी ये बात कही गई थी कि किस तरह से इस सरकार के आने के बाद, यानी मोदी सरकार के आने के बाद से सीबीआई, ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। और तब हमारे दर्शकों को वो भी चीज़ याद आएगी कि 2013 में तत्कालीन अरुण जेटली साहब ने चिट्ठी लिखी थी, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने चिट्ठी लिखी थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी और तब उन्होंने कहा था कि किस तरह से यूपीए सरकार केंद्रीय एजेंसियों का, मसलन सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। और उसमें यह भी कहा गया था कि उस समय चूंकि प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो उसमें खास तौर पर इन दोनों का जिक्र किया था अरुण जेटली साहब ने, और उसमें कहा गया था कि सीबीआई का किस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और फिर आपने उसके बाद ये भी देखा कि वही दौर था जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था और ढेर सारी चीज़ें हुई थी। तो मतलब ये कि देश के लोगों में एक पहले से एक सीबीआई की छवि बनी हुई है। कल परसों प्रधानमंत्री ने उस छवि को तोड़ने की कोशिश की अपने एक संबोधन में कि आज के समय में सीबीआई बहुत अच्छा काम करी। दूसरी बात एक और विपनेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी के साथ अन्याय होता है और वो जब सीबीआई की जांच, उसे लगता है कि स्टेट पुलिस उस मामले में कार्रवाई नहीं कर पाएगी, जांच नहीं हो पाएगी, तो ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी एक बात कही थी कि इस देश में लोग सीबीआई जांच के लिए सड़कों पर उतरते हैं, सीबीआई जांच की मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो मतलब ये कि सीबीआई के कोई कुछ भी कहता रहे, सीबीआई के प्रति अभी भी आम आदमी के मन में एक आस्था बनी हुई है। अब सवाल ये है कि आस्था 2013 के पहले वाली है या 2014 के बाद वाली है, या जो एक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जो चिट्ठी लिखी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो वाली आस्था है, या 2013 में अरुण जेटली के द्वारा जो चिट्ठी ली गई वो, ये तमाम ऐसे कुछ सवालात हैं जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर ढेर सारे सवाल खड़े करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 14 जो वो किया गया है, जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो याचिकाएं लगाई गई हैं, ये भी महत्वपूर्ण है कि दरअसल इसमें से अधिकांश लोग वो हैं, अधिकांश पार्टियां वो हैं जिनके नेताओं के खिलाफ, अधिकांश के नेताओं के खिलाफ या तो सीबीआई या ईडी के या तो के मुकदमे चल रहे हैं, या तो जाँच हो रही है या चार्जशीट दायर होने हैं। तो मतलब ये कि बात तो सही है कि देश में कुछ गलत हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी जाँच केंद्रीय एजेंसियाँ करेंगी ही करेंगी, और ये कह देना कि वो उनका दुरुपयोग हो रहा है, बात सही है, दुरुपयोग हो रहा है और इसलिए हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी पार्टियाँ कह रही हैं कि 2014 के बाद से तमाम जो संगठन के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और मैक्सिमम मुकदमे जो दर्ज हुए हैं वो अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ हुए हैं। यहाँ पर जो याचिका लगाई गई है उसमें ये भी कहा गया है कि जिनके खिलाफ जाँच शुरू होती है और वो अपना पार्टी बदल देते हैं, अपना पाला बदल देते हैं, तो जाँच वहीं रुक जाती है, और यही बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है विपेश, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो याचिका दायर हुई है उस पर यही बात
कोर्ट के संज्ञान में लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वो सारे तर्क सारी बातें याचिका में रख दी गई हैं, जब सुनवाई होगी वकीलों की तरफ से भी, और ये देश के तमाम बड़े बड़े वकील यहाँ खड़ा होकर के सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे कि कोर्ट को इसमें दखल क्यों देना चाहिए। हालांकि चूंकि केंद्रीय एजेंसियों के लिए पहले से दिशा निर्देश है, इसलिए इसमें बहुत कुछ उम्मीद की हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी देश की सबसे बड़ी अदालत है, जिस पर संविधान के सुरक्षा की जिम्मेवारी है, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी है, गार्जियन इसे कहा जाता है जब संविधान का, तो सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेवारी है। देखना है कि जब सुनवाई होगी 12-1 बजे के आसपास, इसमें सुनवाई हो, मुख्य न्यायाधीश की बेंच जो सुनवाई करेगी, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगी, देश के लोगों की भी, CBI की भी, ED के अधिकारियों की भी, तमाम केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों की भी, याचिकाकर्ताओं की भी, विपक्ष के नेताओं की भी, और सरकार के से जुड़े हुए लोगों की भी। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आप सही कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।